नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। विराट कोहली जब कुछ करते हैं तो हल्ला तो मचता ही है, और जब हल्ला मचता है तो सवाल उठते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को धर्मशाला में न्यूजीलैंड से मुकाबले के बाद उन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा, ये मत भूले कि काम आधा हुआ है और विराट ने जो किया है उसकी तो ये उन्हें आदत सी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 साल के बाद मिली जिस जीत पर भारतीय कप्तान को इतराना चाहिए था, वह उस वर्ल्ड चैंपियन बनने को अपने सफर को महज एक पड़ाव मान रहे हैं। रोहित शर्मा ने माना कि टूर्नामेंट का स्टार्ट हमारे लिए अच्छा रहा है, लेकिन अभी काम आधा ही हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है खुद को बैलेंस बनाए रखना और अभी जो है उसमें बने रहना। ऐसा कर हम अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे। टीम इंडिया की दो कमजोरियां जिसे न्यूजीलैंड ने किया एक्सपोज, रोहित की बातों से साफ है कि वह छोटी मोटी अचीवमेंट्स का जश्न मनाने वाले नहीं है। न्यूजीलैंड को हराकर तो उन्होंने वो किया है जो भारतीय क्रिकेट में 20 साल 7 महीने और 7 दिन से नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें वो करना है जो जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान पिछले 10 सालों से कर रहा है, मतलब ये कि भारत के लिए ICC खिताब जीतना। यही वजह है कि जब उनसे मुकाबले के दौरान विराट कोहली की बल्लेबाजी पर भी सवाल हुआ तो उन्होंने तारीफ तो की, लेकिन इस अंदाज में जैसे ये तो विराट के लिए रोज की बात है। उन्होंने कहा, यह उनकी आदत है, उस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सालों से टीम के लिए रन चेस करते आ रहे हैं, वो इसके लिए खुद को तैयार करते हैं और फिर मैदान पर अंजाम देते हैं। रोहित की बातों को इम्प्लीमेंटेशन रन चेस, विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा औसत और टीम इंडिया की जीत के जुड़े आंकड़े भी देते हैं। जाहिर है भारतीय कप्तान ने जरूर चाहेंगे कि विराट कोहली की यह जो आदत है वो ऐसे ही पूरे टूर्नामेंट में भारत की ताकत बने रहे, ताकि 19 नवंबर यानी वर्ल्ड कप के फाइनल का जो दिन, उसे दिन वो पूरा शान से कह सके काम पूरा हुआ। और भी स्पोर्ट्स जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।